ये देसी अरहर है जो कि हमने आदिवासी क्षेत्र से 2011 में कलेक्ट की थी, और ये ट्राइबल एरिया से हम बिहार और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से लाए हुए थे। जंगल में हमें 3 पेड़ मिले हुए थे उनके पास से, और फिर लाके इसको हमने यहाँ पर तैयार किया, डेवलप किया हुआ है। ये बहुत ही स्पेशल अरहर है, ये एक बार लगाने पर लगभग 5 साल तक कंटिन्यूसली चलती है ये, और साल में 2 बार फ्रूटिंग देती है, और इसकी लंबी फली होती है, बहुत बोल्ट दाना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका कलर भी बहुत दिखने में बहुत सुंदर होता है, रेडिश कलर का फूल होता है, तो एक बहुत ही आकर्षित इसका फ्लावर्स होता है। लंबी फली होती है, लाल कलर की फली होती है, बहुत बोल्ट दाना होता है, साइज़ बड़ी होती है, और टेस्ट में भी बहुत काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ हम इसको जैविक तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं, उगा रहे हैं। पूरा प्लॉट 2 एकड़ का है, आप देख रहे हैं इसकी हाइट लगभग जो है ना 7 से 8 फीट हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी स्वस्थ अरहर है। इसमें कोई अभी तक दवाई नहीं डली हुई है, पूरी जैविक तरीके से हम इसको कर रहे हैं, पूरा जैविक खाद पूरा मैनेजमेंट है इसमें हमने लगाया हुआ है, और ये बस अभी लगभग 1 महीने के आसपास ये मैच्योर्ड हो जाएगी। और यहाँ पर हम ये किसानों के लिए भी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये देसी तरह की अरहर अगर उगाएंगे तो बीज भी कम लगेगा, और बहुत सारी फसलें भी इसके साथ में उगाई जा सकती हैं, और प्रोडक्शन भी 10 से 12 क्विंटल 1 साल का होगा। और एक बार लगाने पर हम इसको 5 साल तक लगातार काटेंगे, तो हमें बीज की कॉस्ट एक बार बस लगानी है, और लेबर भी एक बार ही लगानी है, फिर बार बार लगाने का और बार बार निकालने का भी खर्चा खत्म होगा। संभावना है कि लग जाए, अगर इल्ली लगेगी तो हम नीम ऑयल का स्प्रे फल्ली लगने के बाद 2 बार कर देंगे तो वो इल्ली से भी बच जाएगी। तो बेसिकली इसमें कोई दवाइयों की भी कोई खास जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें ये प्रजाति अगर हम लगाएंगे इसका एक बार बीज बना लो तो अनंत काल तक आपके पास भी चलता रहेगा। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, मतलब समझ लो कि 2 या 3 पानी बस आपको देने हैं और 2 मैच्योरिटी आपकी आ जाएंगी। जैसे सितंबर तक तो पानी होता है, 1 अक्टूबर में दे दो, 1 नवंबर में दे दो तो मार्च के लिए पकने तक आपकी, दिसंबर में हार्वेस्टिंग, और 1 आप जनवरी में दे दो तो मार्च में फिर हार्वेस्टिंग आ जाएगी। और इंटरक्रॉप में आप लगाते हो तो बीच में आप मूंग बो दो, गेहूं बो दो, तो गेहूं को पानी मिलेगा तो ऑलरेडी इसको भी मिलता जाएगा।